दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेटूनिंग क्या होती है। रेटूनिंग मतलब कि पेड़ी लेना। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेड़ी किसे कहते हैं। जब हम पहली बार बीज की बुआई करते हैं खेत में और उससे जो हमें फसल मिलती है उस फसल को हम कहते हैं मुख्य फसल। और जब हम मुख्य फसल की कटाई करते हैं तो उसी मुख्य फसल के कुछ तनों को हम छोड़ देते हैं। उन तनों से जब नए पौधे निकलते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पेड़ी लेना। और जो यह प्रक्रिया है कि मुख्य फसल लेना, फिर उसके बाद उसके तनों को काट कर उससे नए पौधे लेना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेटूनिंग। इस पूरी प्रक्रिया को रेटूनिंग कहा जाता है और इसे ही पेड़ी लेना भी कहा जाता है। जो रेटूनिंग है यह बहुत प्राचीन समय से हमारे देश में की जा रही है। इसके कुछ प्रमाण अथर्ववेद में मिलते हैं, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि पहले रेटून के रूप में जौ की खेती की जाती थी। इसके बाद चीन में बहुत प्राचीन समय से 1757 के आसपास से गन्ना में रेटूनिंग की जाती थी, मतलब गन्ना में पेड़ी ली जाती थी। इसके बाद हम समझते हैं कि यह जो रेटून है यह लैटिन भाषा के रिटोनसस शब्द से आया है, जिसका मतलब है टू कट डाउन, मतलब कि काटना, और स्पेनिश शब्द जिसका जो है वह है रिटोनो, जिसका मतलब है टू स्प्राउट मीन्स उगने देना। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर अगर ध्यान से देखा जाए तो यही रेटून है, पौधे को कट डाउन करना मतलब काटना और उसके बाद उसे उगने देना। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पेड़ी अगर लेनी है तो क्यों लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो हमें जो खेत की शुरुआती तैयारी की जाती है किसी भी फसल को लगाने के लिए, उससे हम बच जाते हैं। दूसरी बात कि हमें नए बीजों की आवश्यकता नहीं होती है, हम पहले से ही उपस्थित पौधे का उपयोग कर रहे हैं। तीसरी बात, जो शुरुआती सिंचाई की जाती है उससे हम बच जाते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लागत में 20 से लेकर 40% तक कमी आ जाती है। उसके बाद अगर हम समझें कि इसको कैसे किया जाए, तो मतलब कि पेड़ी लेने के समय मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि जब हम कटाई कर रहे हैं तो उस समय जो तने की जमीन से जो तना छोड़ रहे हैं उस तने की लंबाई बराबर हो पूरे खेत में, ताकि पौधे सही से उग सके। अगर लंबाई बराबर नहीं होगी तो पौधे सही से नहीं उग पाएंगे। दूसरी बात, उर्वरक देने के समय ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम नाइट्रोजन दे रहे हैं खेत में तो पहली फसल जो मुख्य फसल थी उससे 20% तक बढ़ा के हम नाइट्रोजन दें। इसका कारण यह है कि जो पिछली फसल है उसमें जो जैविक पदार्थ थे, जो उसकी पत्तियां थी या अन्य पौधे के भाग थे जो जमीन में सड़ गल गए, उसके कारण उसका CN रेशियो बढ़ गया है। उस मिट्टी का CN रेशियो बढ़ जाता है और CN रेशियो बढ़ने के कारण पौधे उर्वरकों को सही मात्रा में पौधे से नहीं जमीन से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मिट्टी में उर्वरक की उपस्थिति होती है लेकिन पौधे उसे ले नहीं पाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें 20% नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे CN रेशियो कम हो जाता है और जो उर्वरक हैं वह पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब तीसरी बात, जो उर्वरक देने की विधि है उसमें 50% जो नाइट्रोजन है उसे हम बेसल के रूप में शुरुआत में ही पौधे की जड़ों के पास दे दें। शेष 50% जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को दो भागों में बांटकर दो बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में, मतलब खड़ी फसल में छिटकवा विधि से उसे दे दें। इसके बाद अन्य जो उर्वरक हैं उनको पूरी मात्रा शुरू में ही दे देनी चाहिए। आखिरी और सबसे मुख्य बात, जब आप पेड़ी ले रहे हैं तो पेड़ी केवल एक बार लीजिए। अगर एक बार से अधिक बार आप पेड़ी लेंगे तो जो उपज है उसमें कमी आने लगेगी। इसका कारण यह है कि जो रोग हो जाते हैं गन्ने में या जो भी फसल आप पेड़ी के रूप में ले रहे हैं, जो रोग हो जाते हैं उनमें, उसके कारण उसके जो सूक्ष्म जीव हैं रोग उत्पन्न करने वाले वो धीरे धीरे मिट्टी में गिरने लगते हैं
और मिट्टी को संक्रमित कर देते हैं। इसके बाद जो कीटों के अंडे हैं, जो कीट लगते हैं फसलों में, उनके जो अंडे हैं वो भी मिट्टी में रहते हैं। और जब आप कई बार फसल लेते हैं तो धीरे धीरे इनकी मात्रा ज़्यादा होने लगती है और यहीं से रोग उत्पन्न करके आपकी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। इसके बाद बार बार एक ही फसल जब हम लेते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह कम होने लगती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और अगर इस प्रकार से खेती की जाए, ध्यान में रख कर सारी बातें, तो पेड़ी से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है कम लागत में और अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है।